नमस्कार आपण देखुछंती मध्यान ओडिसा आज आरंभ होईछि स्वाधीनतार अमृत महोत्सव। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव शुभारंभ करिछंती प्रधानमंत्री। आमे आपणकु नै जाउछु सेठाकु सीधा सळख। मुख्यमंत्री महोदय का देवे सज्जनों, आजादी के संघर्ष ने जहां देशवासियों को हंसते हंसते मरने की प्रेरणा दी थी, वहीं स्वतंत्र भारत में हंसते हंसते जीने और राष्ट्रहित में काम करने की प्रेरणा हम सबको माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव उनकी गरिमामयी उपस्थिति में उनके कर कमलों से आरंभ हुआ और पूरे देश में, विश्व में, जन जन तक उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी भविष्य में। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको अपना आशीर्वचन दें, अपना शुभ संदेश दें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मंच पर विराजमान गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री प्रहलाद पटेल जी, लोकसभा में मेरे साथी सांसद श्री सीआर पाटिल जी, अहमदाबाद के नवनिर्वाचित मेयर श्रीमान किरीट भाई, साबरमती ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री कार्तिकेय सारा भाई और साबरमती आश्रम को समर्पित जिनका जीवन है, ऐसे आदरणीय अमृत मोदी जी, देश भर से हमारे साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव देवियों और सज्जनों और मेरे युवा साथियों, आज जब मैं सुबह दिल्ली से निकला तो बहुत ही अद्भुत संयोग हुआ। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने से पहले आज देश की राजधानी में अमृत वर्षा भी हुई और वरुण देव ने आशीर्वाद भी दिया। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से पूर्व आज प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। हमारे यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है। आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है। आज हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही पुण्य तीर्थ, कितने ही पवित्र केंद्र साबरमती आश्रम से जुड़े रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम की पराकाष्ठा को प्रणाम करने वाली अंडमान के सेल्यूलर जेल, अरुणाचल प्रदेश से एंग्लो इंडियन वॉर की गवाह केकर मॉर्निंग की भूमि, मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान,
पंजाब का जलियांवाला बाग, उत्तर प्रदेश का मेरठ, काकोरी और झांसी, देश भर में ऐसे कितने ही स्थान पर आज एक साथ इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के असंख्य संघर्ष, असंख्य बलिदानों का और असंख्य तपस्याओं की ऊर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर्जागृत हो रही है। मैं इस पुण्य अवसर पर बापू के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले, देश को नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा की परंपरा को जीवित रखा, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए, शहीद हो गए। जिन पुण्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी, 75 वर्ष में देश को यहां तक लाए, मैं उन सभी के चरणों में भी अपना प्रणाम करता हूं। साथियों, जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब यह एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। इसलिए अभी आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रखा गया उसमें अमृत महोत्सव के 5 स्तंभों पर विशेष जोर दिया गया है। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75। ये 5 स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इन्हीं संदेशों के आधार पर आज अमृत महोत्सव की वेबसाइट के साथ चरखा अभियान और आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर को भी लॉन्च किया गया है। भाई और बहनों, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो
गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए आजादी के 75 साल का यह अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा, एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। साथियों, हमारे यहां वेदों में एक वाक्य है, मृत्यो मुक्ष्य मामृतम, अर्थात हम दुख कष्ट क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है, ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है, ये महोत्सव वैश्विक शांति का विकास का महोत्सव है। साथियों, अमृत महोत्सव का शुभारंभ दांडी यात्रा के दिन हो रहा है। उस ऐतिहासिक क्षण को पुनर्जीवित करने के लिए एक यात्रा भी अभी शुरू होने जा रही है। यह अद्भुत संयोग है कि दांडी यात्रा का प्रभाव और संदेश भी वैसा ही है जो आज देश अमृत महोत्सव के माध्यम से लेकर आगे बढ़ रहा है। गांधी जी की इस एक यात्रा ने आजादी के संघर्ष को एक नई प्रेरणा के साथ जन जन से जोड़ दिया था। इस एक यात्रा ने अपनी आजादी को लेकर भारत के नजरिए को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया था। ऐसा ऐतिहासिक, और ऐसा इसलिए क्योंकि बापू की दांडी यात्रा में आजादी के आग्रह के साथ साथ भारत के स्वभाव और भारत के संस्कारों का भी समावेश था। हमारे यहां नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी, हमारे यहां नमक का मतलब है विश्वास, हमारे यहां नमक का मतलब है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की। भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर हो जाना पड़े। गांधी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा, जन जन से जुड़ी उस नब्ज को पकड़ा और देखते ही ये आंदोलन हर एक भारतीय का आंदोलन बन गया, हर एक भारतीय का संकल्प बन गया। साथियों, इसी तरह आजादी की लड़ाई में अलग अलग संग्रामों
अलग अलग घटनाओं की भी अपनी प्रेरणाएं हैं, अपने संदेश हैं, जिन्हें आज का भारत आत्मसात कर आगे बढ़ सकता है। 1857 का स्वातंत्र संग्राम, महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, देश को सत्याग्रह की ताकत फिर याद दिलाना, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो, ये नारा आज भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है। 1942 का अविस्मरणीय आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का उद्घोष, ऐसे कितने ही अनगिनत पड़ाव जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी हैं जिनके प्रति देश हर रोज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। 1857 की क्रांति के मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे वीर हों, अंग्रेजों की फौज के सामने निर्भीक गर्जना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, रानी गाइडिनल्यू हो, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अतफाउल्लाह खां, गुरुराम सिंह, टिटूस जी, पोल रामास्वामी जैसे वीर हो, या फिर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान, वीर सावरकर जैसे अनगिनत जननायक, ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के पथ दर्शक रहे हैं। आज इन्हीं के सपनों को भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। साथियों, हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन हैं, कितने ही संघर्ष हैं जो देश के सामने उस रूप में नहीं आए जैसे आने चाहिए थे। ये एक एक संग्राम, संघर्ष अपने आप में भारत की असत्य के खिलाफ सत्य की सशक्त घोषणाएं हैं। एक एक संग्राम भारत के स्वाधीन स्वभाव के सबूत है। ये संग्राम इस बात का भी साक्षात प्रमाण है कि अन्याय, शोषण और हिंसा के खिलाफ भारत की जो चेतना राम के युग में थी, महाभारत के कुरुक्षेत्र में थी, हल्दी घाटी की रणभूमि में थी, शिवाजी के उद्घोष में थी, वही शाश्वत चेतना, वही अदम्य शौर्य भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर समाज ने आजादी की लड़ाई में अपने भीतर। आपण देखुले साबरमती सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधन करुछंती। आज स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन करा जाउछि एवं स्वाधीनतार स्वाद किभळि से संपर्क में प्रधानमंत्री निज अभिभाषण में अवगत कराउथिले। एवं आसिबा अन्य खबर को, पारिवारिक कलहर करुण परिणति, मां को इटारे छिचि हत्या कला पुओ, एभळि घटना घटिछि केन्दुझर जिला बडबिल थाना गाढ़ा हटिंग अंचल। बडबिल पौराचल 9 नंबर वार्ड गाढ़ा हटिंग घटी हत्याकांड, मदबी 55 वर्षिया मां सोमवार को हत्या कला पुओ किशोर, हत्या परे साही लोके किशोर को बांधि पुलिस को खबर देते। घटनास्थल में बडबिल पुलिस पहुंच तदंत करने अभियुक्त को गिरफ्त कर। पंचावन वर्षिया मां को पुओ छेची हत्या करी इटारे छेची एवं बडबिल थाना गाढ़ा हटिंग अंचल घटना देखा मिली। स्थानीय लोके वर्तमान पुओ को काबू करी पुलिस को खबर देवा पुलिस पहुंची अभियुक्त किशोर को बांधी अटक रखी एवं गिरफ्त करी। तेज हत्याकांडर कारण वर्तमान सुधा जमापड़ी ना। अभय महापात्र अधिक सूचना देवाई फोनलाइन अच्छा। अभय, क्यों कारण जो पुओ को पुओ ए मां को हत्या कला से नहीं कौन जमापड़ा,
स्थानीय लोके सहित पुलिस बर्तमान सुधा कौन पदक्षेप स्वाती गोटे मानसिक एवं बर्बरतार सीमा लंघिछि पुओ कहले अत्युक्ति हम ना जोटि पुओ पथर छेचिकि माँ को हत्या करी घटना घटी बड़बिल थाना काढ़ाटी अंचल गत काली रात घटना एवं अमानसिक भाव पुओ जो मद्यपान कर माँ को टा मागी माँ दे पारि ना से पाखे गोटे इटा थी से तार मुंड को छेची हत्या कर सूचना पड़ी जे 2012 मसीह निज बाप को भाव में अमांचित भाव में किशोर मुंडा जी हत्या करता तो से जेल जाता जेल आसा जेल फेर पर कार्य से जारी रखिता और गत काली अमांचित घटना घटी और जो घटना जानी पाख लोकता अटक रखते और पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची गिरफ्त कर तदंत जारी रखी सती तो बर्तमान गिरफ्त करी बर्तमान तदंत आग को बढ़ाऊ तेरे पुलिस से कौन कहूँ क्यों कारण घटला एवं बर्तमान सुधा स्थानीय लोक किसी प्रतिक्रिया मिली कि नहीं स्थानीय लोक जो जहाँ भी आम सूचना रही सती पूर्व हत्याकांड घटाई निज बाप को सामान भाव में हत्या कर तो यह कांड से जारी रखी पूर्व हिसाब से गत काली निशाशक्त भाव में जमी आसिकी माँ को हत्या करश्चित भाव में ये गोटे अमानसिक कांड जहाँ को आधार करी पुलिस तदन जारी रखी और परवर्त पर्याय जमा पड़ यार कारण कौन धन्यवाद अभय बर्तमान सूचना पारिवारिक गंडगोल और जार फलस्वरूप 55 वर्षिया माँ सोमवारी को हत्या कर पुओ किशोर समय को ब्रेक ब्रेक पर देखा खबर India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेकपुर स्वागत विधानसभा बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्याय आज गृह कार्य आरंभ विरोधी हट्टगोल देखा मिलता धान किणा अव्यवस्था नहीं कांग्रेस और बीजेपी हट्टगोल कर मात्र गृह दुई मिनिट चली बाध्य दिन 11:30 जाए गृह को मुलतवी करते बाचस्पति पर गृह कार्य आरंभ धान किणा प्रसंग में सरगरम आलोचना होता पर बाचस्पति धान किणवाक नहीं रूलींग गृह कार्य अपराह 4 जाए मुलतवी होती धान किणा प्रसंग में कांग्रेस कही सरकार विश्वासघातकता कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र कहते सर्वदल बैठक निष्पत्ति अनुसार संसदीय मंत्री गृह में कही प्रकृत चाषी धान किणवे नकली चाषी विरोध में फौजदारी मामला रुजु करेंगे मामला रुजु कले कि धान भी किणिले ना गृह में कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा कहते धान किणा प्रसंग को नहीं जदि कौन विधायकों पर आक्रमण किंतु किंबा कौन विधायक आत्माहुति दिखती तेज से सरकार दायी रही तारा प्रसाद बाहनपति जेपर्यंत धान उठुनी से पर्यंत विधानसभा चलने को आम देवुनी बीजेडी नेता कहीपना आम द्वारा कहते हाथ जोड़ी कहते समस्त धान उठाई बाचस्पति रूलींग दिंतु बीजेपी भी धान किणा नहीं सामान अभोग आल कही धान किणा नहीं सरकार कौन पदक्षेप ने लाप्स होता टोकन रिजेनरेट करने व्यवस्था कले सर्वदल बैठक में प्रकृत चाषी धान किणवे लिखित प्रतिश्रुति दे सरकार किंतु पालन है विधायक जयनारायण मिश्र कहते आम आलोचना करने जदि न हो तेज गृह चल कहीं गृहर गारिमा भांगी सरकार तेज धान किणा प्रसंग को नहीं प्रश्नकाल नपरबार बीजेडी कही राज्य स्वार्थ दृष्टि प्रश्नकाल गुरुत्वपूर्ण गृह को अचल करवा ठीक नुहे धान समस्या अलग समय आलोचना हो पारि था बीजेपी गृह में मुलतवी नोटिस जंगल निया को नहीं मुलतवी नोटिस दि जाएगी जार उत्तर रखे जंगल और परिवेश मंत्री जो मैंने ठक
ठकिकी पैसा नहीं विरुद्ध सरकार केस कले फौजदारी केस कले कि प्रकृत चाषी जी निज जमीन धान चाष कर धान किणिले ना अतएव ये राज्यर कृषक मान प्रति बेईमानी गृहर खाली अवमान नुहे गृह को विश्वासघात कर सरकार एवं आमको ठकी से आम प्रतिवाद कर यार समाज ये समस्या समाधान एकांत आवश्यक जो टोकन सब लेकिन पुनः कार्यक्षम हम ताकि व्यवस्था कल आज भी तने विभिन्न मंडी में धान सब पड़ रही तो तेणु आम आज कहलु ये जी सरकार विधानसभा जी मिछ कह विधानसभा भाया पवित्र गृह मान को मिछ कहते साधारण जनता प्रति कौन तर अच्छी आषी मान प्रति कौन अच्छी तेनाली दाबी कर जे ये धान जी आप धान कि उठेपी तो ये धान उठा जाओ विरोधी दल मैंने जहाँ दाबी रखा कथा गृह भितर रखिंट ए संपर्क पुखानुख आलोचना भी होती मान्यवर मंत्री तार उत्तर देखते ये धान किणा को छाड़ ओडिशार आहरी बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग राज्यर अच्छी आमर जो प्रश्न कालटा हूँ विधानसभा सब गुरुत्वपूर्ण जिनस समय यही समय तो राज्यर स्वार्थपे अनेक विधायक अनेक प्रश्न पचारि था तेणु प्रश्न काल में गृह को मुलतवी कर गृह कार्य को अचल करवा उचित होना विधानसभा बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्यायर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी 30 प्लाटून फोर्स 60 रु अधिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियोजित विधानसभा चारिपट रास्ता सील केवल पासधारी लोक रास्त दिजाव भुवनेश्वर डीसीपी पर्यायर जमी सुरक्षा व्यवस्था थिला से ही सुरक्षा व्यवस्था आज पुणी आउ थे कंटिन्यू कर पखापाखि 30 प्लाटून फोर्स मुतयन कर 60 रु ऊर्ध अफिसर मुतयन होती आसेम्बली जमी संपूर्ण सुरक्षित वातावरण मध्य कार्यानुक्रम संपादित हो पार ऑनरेबल एमएलए माने अन्यान्य कर्मचारी माने आसेम्बली सहित जड़ित समस्त व्यक्ति जब सुचारू रूपे आसीपारे सेक्रेटेट कर्मचारी मानकर ऑफिसर मानकर कौन सी बाधा सृष्टि नुहे ताकू दृष्टि रखी व्यापक अरेंजमेंट कराई समय आउ एक ब्रेक पर देखा आ कि खबर।